हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस की बारे में जानकारी देंगे, दैट इज कॉल्ड रिकर्सन। तो देखिए, रिकर्सन में क्या होता है कि रिकर्सन इज द प्रोसेस इन विच ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ। जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, उसको हम बोलते हैं रिकर्सन। दिस इज कॉल्ड रिकर्सन। इसमें क्या होता है कि कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। रिकर्सन इज द प्रोसेस बाय विच ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ रिपीटेडली यानी जब कोई फंक्शन अपने को ही बार बार कॉल करता है, इस प्रोसेस को रिकर्शन कहते हैं। और कब तक कॉल करता है? अनटिल सम स्पेसिफाइड कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाइड। जब तक कि कोई स्पेसिफाइड कंडीशन नहीं सेटिस्फाई जाती है, तब तक वो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। इस प्रोसेस को रिकर्शन कहते हैं। द प्रोसेस इज यूज फॉर रिपीटेटिव कंप्यूटेशन इन विच ईच एक्शन इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ ए प्रीवियस रिजल्ट। तो ये प्रोसेस वहां पे यूज होता है जहां पे रिपीटेटिव कंपटीशन की जरूरत होती है, जिसमें हर एक्शन इन विच ईच एक्शन इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ ए प्रीवियस रिजल्ट, यानी हर एक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है या किसके लिए कॉल किया जाता है, जो प्रीवियस रिजल्ट आया है उसके लिए। अब इसमें क्या होता है कि कई जो सी के प्रोग्राम कह लीजिए या कई प्रॉब्लम्स कह लीजिए, मेनी इटरेटिव प्रॉब्लम्स कैन बी रिटेन इन दिस फॉर्म। कई इटरेटिव प्रॉब्लम को आप इस फॉर्म में, रिकर्सन की फॉर्म में यूज करके लिख सकते हैं। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखने वाली ये है कि इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम रिकर्सिवली टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर किसी प्रोग्राम को आप रिकर्सन यूज करके सॉल्व कर रहे हैं या रिकर्सिवली उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो दो कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला क्या कि फर्स्ट द प्रॉब्लम मस्ट बी रिटेन इन ए रिकर्सिव फॉर्म। तो पहला क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम है आपकी, इसमें रिकर्सन यूज करने की कंडीशन क्या है कि जो प्रॉब्लम है आपकी, प्रॉब्लम मस्ट बी रिटेन इन रिकर्सिव फॉर्म। ठीक है, प्रॉब्लम जो है आपकी वो रिकर्सिव फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। और सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि द प्रॉब्लम स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड ए स्टॉपिंग कंडीशन, कि मतलब ये नहीं कि वो इनफाइनेटली अपने आप को कॉल करता जा रहा है। तो यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड ए स्टॉपिंग कंडीशन, मतलब यानी फंक्शन अपने को कॉल कर रहा है तो कितनी बार कॉल करना है या कब तक कॉल करना है, तो कोई भी स्टॉपिंग कंडीशन, उसमें स्टॉपिंग कंडीशन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें जब जब भी किसी प्रॉब्लम को आप रिकर्सन यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कंडीशन, दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि प्रॉब्लम को आप रिकर्सिव फॉर्म में लिखिए, ठीक, और दूसरा उसमें स्टॉपिंग कंडीशन जरूर होना चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद द यूज ऑफ रिकर्सन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमें एन फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। मान लीजिए एन कोई नंबर है, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। अब इसमें क्या होगा, हमें मालूम है कि एन फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है, 1 × 2 × 3 × 4, ऐसे ये इंटू होता जाएगा कहाँ तक, अप टू एन तक। ठीक, अब इसमें, अच्छा यहाँ पे एन क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रॉब्लम को देखिए, ये आपने लिखा है प्रॉब्लम। अब इसी प्रॉब्लम को आप ऐसे भी, अच्छा ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए हमने कहा एन माइनस वन फैक्टोरियल अगर हम लिखे, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल क्या आएगा, 1 × 2 × 3 × up to n-1 आएगा, ये आएगा। तो अब इस एन फैक्टोरियल में यहाँ से लेकर और एन माइनस वन को अगर हम एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख लें, तो एन फैक्टोरियल को हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ये हुआ ना,
दिस इज ए रिकर्सिव स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये जो फॉर्म आई है देखिए, जिसमें यहाँ एन फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है और उसके अंदर फिर एन माइनस वन फैक्टोरियल कॉल कर रहा है। ऐसे ही आप लिखोगे कि एन माइनस वन फैक्टोरियल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसको आप लिख सकते हो एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं रिकर्सिव स्टेटमेंट, दे आर कॉल्ड रिकर्सिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो प्रीवियस रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, रिकर्सन यूज करके हम इसी प्रोग्राम को बनाते हैं कि राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्सन। तो मान लीजिए हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये क्या है, एग्जाम्पल हमने लिखा। ठीक, अब क्वेश्चन हमारा ये है कि राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, ठीक है, या ऑफ ए नंबर लिख लीजिए या इंटीजर लिख लीजिए क्योंकि इंटीजर होना जरूरी है, और यूजिंग रिकर्सन। रिकर्सन को यूज करके हमको ये प्रोग्राम बनाना है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। तो अब देखिए इसको हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने तो कमेंट लाइन लिख दिया, ठीक है, समझने के लिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हमने लिख दिया कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एन इंटीजर क्वांटिटी यूजिंग रिकर्सन। ये हो गई कमेंट लाइन। उसके बाद क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया हमने। फिर यहाँ क्या किया हमने, जैसे फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं तो हमने लिखा लॉग इंटीजर, यहाँ लिखा हमने फैक्टोरियल, यहाँ हमने लिख दिया इंटीजर n। ठीक है, ये क्या है, ये लाइन है फंक्शन प्रोटोटाइप। तो यहाँ हमने लिख दिया फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि जब फंक्शन प्रोटोटाइप आपने डिक्लेयर कर लिया, अब यहाँ हमने लिखा मेन, ये मेन की बॉडी शुरू हो गई। यहाँ डिक्लेयर किया हमने इंटीजर n, ठीक है। अब इंटीजर n डिक्लेयर करने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने लिखा लॉन्ग इंटीजर फैक्टोरियल, ये फंक्शन का नाम हो गया, और इंटीजर n, ठीक, रीड इन द इंटीजर क्वांटिटी। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये कर रहा है रीड इन द इंटीजर क्वांटिटी। ठीक, अब यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया प्रिंट एफ एन इक्वल टू प्रिंट एफ n इक्वल टू, यहां स्कैन एफ कर दिया, एम्परसेंट n, ठीक है। और अब यहां हमने स्टेटमेंट दिया प्रिंट एफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे दे दिया परसेंटेज, लॉन्ग इंटीजर के लिए एल डी स्लैश एन दे दिया, नेक्स्ट लाइन के लिए कॉमा रिकॉर्ड्स,
और यहाँ हमने फंक्शन कॉल कर लिया फैक्टोरियल, और किसके लिए कॉल किया ये एन के लिए, ठीक। और यहाँ पे ये प्रोग्राम मेन बंद हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप फंक्शन की बॉडी डिक्लेयर कीजिए। तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया से लॉन्ग इंटीजर फैक्टोरियल, यहाँ हमें लिखा इंटीजर एन, ठीक है। यह इससे क्या होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कैलकुलेट द फैक्टोरियल। अब यहाँ से ये प्रोग्राम की बॉडी शुरू होगी, उसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब प्रोग्राम की बॉडी शुरू हो गई, तो हमने लिखा इफ एन इज लेस देन इक्वल टू वन, अगर मान लीजिए एन जो हमने एंटर किया है वो अगर वन के बराबर या वन से छोटा है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम सीधा सीधा रिटर्न कर देंगे वन, क्योंकि वन का फैक्टोरियल तो वन ही आएगा, या जीरो भी एंटर किया किसी ने तो जीरो का फैक्टोरियल भी वन ही आएगा। ये हो गया एल्स, तो एल्स में हम क्या करेंगे, रिटर्न, क्या रिटर्न करते हैं हम, एन इंटू फिर से फैक्टोरियल हम कॉल कर लेंगे फैक्टोरियल, अब एन माइनस वन के लिए कॉल कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरह, और यहाँ फंक्शन की बॉडी बंद हो जाएगी। तो अब इसमें देखिए क्या होगा कि इस प्रोग्राम में आप देखिए, तो जो मेन पोर्शन है, यहाँ आ जाइए, ठीक, ये जो मेन पोर्शन है, द मेन पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम सिंपली रीड्स द इंटीजर क्वांटिटी एन एंड देन कॉल्स द लॉन्ग इंटीजर रिकर्सिव फंक्शन फैक्टोरियल। तो ये जो आपका मेन प्रोग्राम है, ये क्या करेगा, ये केवल एन की वैल्यू को रीड करेगा और एन की वैल्यू के लिए ये फैक्टोरियल फंक्शन कॉल कर लेगा, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, द फंक्शन फैक्टोरियल कॉल इटसेल्फ रिकर्सिवली। अब जब आप यहाँ से फैक्टोरियल फंक्शन में आप जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये फंक्शन अपने आप, इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, ये देखिए, ठीक है, विद एन एक्चुअल आर्गुमेंट एन माइनस वन दैट डिक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड फॉर ईच सक्सेसिव कॉल। तो हर बार ये एक डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड के लिए अपने को कॉल करेगा। जैसे मान लीजिए आपने नंबर से एंटर किया 5, तो पहले 5 आएगा यहाँ पे 5 इंटू, फिर ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस 1 मतलब 4, तो 4 के लिए फिर से ये कॉल करेगा, तो 5 इंटू, जब दोबारा से 4 के लिए कॉल किया तो फिर यहाँ पे पहुंचेगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 के लिए कॉल करेगा 3 हो जाएगा, फिर 2 के लिए कॉल करेगा 2 हो जाएगा, और फिर जब यहाँ पे देख रहा है, जब 1 के n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो रिटर्न 1, तो फिर ये 1 रिटर्न करेगा। तो ये आपका आ गया सीधा सीधा, ये 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, जो इसकी फैक्टोरियल वैल्यू होती है 5 फैक्टोरियल की, वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि द रिकर्सिव कॉल टर्मिनेट व्हेन द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट बिकम्स इक्वल टू 1। तो ये चीज आपको, तो इस तरह से आप फैक्टोरियल का आप फंक्शन बना सकते हैं रिकर्सन को यूज करके। अब इसमें देखिए एक चीज ये देखने वाली है कि ये जो फंक्शन फैक्टोरियल का प्रोग्राम हमने बनाया है, ये जो अभी हमने पिछला प्रोग्राम बनाया था फैक्टोरियल का, उससे काफी ज्यादा सिंपल है। द क्लोज करस्पॉन्डेंस बिटवीन दिस फंक्शन एंड द ओरिजिनल प्रॉब्लम डेफिनेशन इन रिकर्सिव टर्म्स शुड बी रेडली अपेरेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द फंक्शन फैक्टोरियल विल बी एक्सेस रिपीटेडली वंस इन मेन एंड एन माइनस वन टाइम्स विद इन इटसेल्फ, दो द पर्सन यूजिंग द प्रोग्राम विल नॉट बी अवेयर ऑफ दिस। मतलब अंदर क्या हो रहा है, ये तो फंक्शन जो आदमी इस प्रोग्राम को यूज कर रहा है वो नहीं जानेगा, लेकिन एज ए डेवलपर आपको पता होना चाहिए कि एक बार तो ये मेन के अंदर जो फैक्टोरियल फंक्शन है वो कॉल हो रहा है, और एन माइनस वन टाइम्स कॉल किया जा रहा है फंक्शन के अंदर ही, ठीक है। तो देखिए n माइनस वन टाइम मतलब यहाँ पे एक बार तो मेन मेन के अंदर कॉल किया किसके लिए, n के लिए,
और जब फंक्शन के अंदर आ गए तो फिर ये कॉल हो रहा है n माइनस वन के लिए, फिर n माइनस टू के लिए, फिर n माइनस थ्री के लिए, ऐसे करते करते 3, 2, 1 के लिए, तब जाके ये फंक्शन बंद हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से आप रिकर्सन का यूज करके डिफरेंट तरह के प्रोग्राम को सिंपली बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।